बाप हो। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है। अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। इस वीडियो में जानेंगे सेल्फी के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म सन 2019 में आई फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की हिंदी रिमेक थी। सेल्फी में अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, डायना पेंटी, नुसरत भरूचा, महेश ठाकुर, फहीमा फसल, टिस्का चोपड़ा और अभिमन्यु सिंह नजर आए थे। इस फिल्म को राज मेहता ने डायरेक्ट किया था। अगर बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 2700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था तो ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 3400 स्क्रीन के साथ 24 फरवरी 2023 में रिलीज किया गया था। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 2,55,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 10,17,00,000 का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 14,23,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने इंडिया में 16,93,00,000 का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था तो 20,60,00,000 का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने ओवरसीज में तकरीबन 3,80,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 24,40,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 72 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 6 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।